नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएससीएन न्यूज। आइए बात करते हैं चांडिल साधु बांध मठिया में भव्य रथ यात्रा की चल रही तैयारियों की। सरायकेला जिला के चांडिल स्थित पंचदस नाम जूना अखाड़ा साधु बांध मठिया में इस वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा भव्य रूप में आयोजित होगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा 14 जून को भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा होगी, जिसके बाद 28 जून को भगवान के नवजीवन दर्शन होंगे व 1 जुलाई को रथ यात्रा एवं 9 जुलाई को फिरती पर यात्रा चलेगी। सरायकेला जिला के चांडिल बाजार स्थित पंचदस नाम जूना अखाड़ा साधु बांध मठिया में इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भव्य रूप में मनाई जाएगी। कोरोना काल के 2 वर्षों के बाद पहली बार धूमधाम से आयोजित होने जा रही रथ यात्रा की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। महंत विद्यानंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इसकी सूचना दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार 14 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा को प्रभु जगन्नाथ की स्नान यात्रा आयोजित होगी। सके बाद मंगलवार 28 जून को अमावस्या के दिन भगवान जगन्नाथ के नवजीवन दर्शन होंगे और 1 जुलाई को भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा व भाई बलराम के साथ 3 अलग अलग रथों पर रथ यात्रा के लिए निकलेंगे। पुनः शनिवार 9 जुलाई को मौसी बाड़ी से भगवान जगन्नाथ की बहुरा रथ यात्रा आरंभ होगी। हालांकि अपनी ओर से रथ यात्रा की तैयारियां करने के बावजूद महंत विद्यानंद सरस्वती ने रथ यात्रा मार्ग यानी मठिया रोड में लगे गंदगी के अंबार पर उन्होंने दुख जताया। यही नहीं, मार्ग में दबंगों द्वारा ऊंचे बंपर बना दिए जाने से भी रथ यात्रा में परेशानी होने की बात बताई। उन्होंने प्रशासन से मार्ग से अविलंब कचरा एवं मार्ग के बंपरों को भी हटवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने की स्थिति में वे लोग भगवान जगन्नाथ के रथ को रास्ते में ही रोक देंगे, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। तैयारी चल रहा है रथ का, 14 तारीख को स्नान हमारा है और फिर दूसरा जो है ना अमावस्या के दिन जिस दिन भगवान जगन्नाथ का नेत्र खुलेगा उस दिन जो है ना ब्राह्मण भोजन और भंडारा का व्यवस्था किया हुआ है और 1 तारीख को रथ हमारा प्रस्थान करेगा और 9 तारीख को वापसी रथ हमारा जो है ना फिर पुनः जो है ना मठिया में आ जाएगा। रथ यात्रा में है कि भगवान का इस बार जो है ना अच्छा खासा श्रृंगार होगा और विधिवत जो है ना पूजन होगा। अब इसके बाद हम लोग जो है रथ को प्रारंभ करेंगे, इसलिए कि अभी तो रास्ता के लेकर के हो रहा है कि रास्ता में तो बम्पर बनाया हुआ है जिसमें रथ नहीं पार कर रहा है, नहीं पार करने की स्थिति में जो है ना इस बार रथ हम लोग रोक देंगे क्योंकि रोड के ऊपर में पूरा जो है ना चांडिल के कचरा गिरा हुआ है जो मठ के गेट के बाहर में, अगर उसकी सफाई प्रशासन नहीं करती है नहीं करवाती है तो हम आगे रथ इस बार नहीं बढ़ाएंगे, हम रथ को पुनः रोक देंगे। दिन भर की ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर, साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।